8 अप्रैल साल का पहला सूर्य ग्रहण इन 7 राशियों के जीवन में लाएगा भारी तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि इस सूर्य ग्रहण की वजह से किन 7 राशियों के जीवन में हलचल होने वाली है और कुछ उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। 8 अप्रैल 2024 को होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण हर 54 साल के बाद आता है। इससे पहले यह 1970 में दिखा था, अगली बार 2078 में दिखेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन लगेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण लगने का समय रात 9:12 से शुरू होकर देर रात 1:25 तक रहेगा। इस लिहाज से ग्रहण 8 अप्रैल और 1 अप्रैल दोनों ही दिन लगेगा। सूर्य ग्रहण के दिन चैत्र अमावस्या रहेगी। ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैसे तो सूर्य और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व है। साल का पहला सूर्य ग्रहण इंसान राशि के जातकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मीन राशि में राहु और शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, इसलिए ये ग्रहण मीन राशि में लगेगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण के लगने के बाद मंगल का मीन राशि में आना किसी तूफान से कम नहीं है दोस्तों। इससे राशि चक्र की राशियों पर सूर्य ग्रहण का सबसे अशुभ प्रभाव देखा जा सकता है। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मेष और वृश्चिक समेत 7 राशियों के जीवन में तूफान मच सकता है। इनको व्यापार में नुकसान से लेकर आर्थिक परेशानी और करियर में भी भारी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं कि 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण से किन किन राशियों की लाइफ में मचेगा तूफान। नंबर 1, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण बड़े उतार चढ़ाव वाला माना जा रहा है। आपको करियर से जुड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में लिए गए फैसले इस दौरान गलत साबित हो सकते हैं। आप इस वक्त धन के निवेश से जुड़ा कोई फैसला ना करें, कारोबार में कोई डील ना करें। जो मेष राशि के जातक विदेश में जाकर सेटल होना चाहते थे, उसमें विलंब होता नजर आ रहा है। आपके खर्च एकदम से बढ़ जाएंगे, बचत होती कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। अगले आने वाले 3-4 महीने तक आप खर्चों से परेशान रहेंगे, लेकिन इस अवधि के दौरान आपके विरोधी शांत होते नजर आएंगे। लंबे समय से आपके जो भी विवाद चल रहे थे, उनमें भी सुधार होता नजर आएगा, लेकिन खर्च बढ़ने की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं। उपाय के रूप में रोजाना सूर्य को अर्घ्य देकर कम से कम 3 बार अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। नंबर 2, वृषभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि वृषभ है, उनके लिए साल का पहला सूर्य ग्रहण अशुभ माना जा रहा है। वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके विरोधी आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके काम में कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, साथ ही आपको आर्थिक हानि होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई नया कार्य करने की सोचेंगे, लेकिन आपको उसमें कोई भी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। ये सब 3-4 महीने तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी पटरी पर आती है आपको नजर आने लगेगी। क्या उपाय कर सकते हैं आप? मंगलवार या फिर गुरुवार को पीले रंग का सूत पीपल के पेड़ में बांध के आए। यह उपाय आप हर महीने करें तो आपको आपकी स्थिति में सुधार होता नजर आएगा। नंबर 3, कन्या राशि। सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से कन्या राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। आपको कारोबार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में किसी बात को लेकर बड़ा बवाल हो सकता है।
परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। कन्या राशि के लोगों को इस वक्त कोई नई वस्तु खरीदने से बचना चाहिए। घर या फिर गाड़ी की कोई डील कर रहे हैं तो फिलहाल ना करें। आपको इस वक्त करियर से जुड़ा कोई फैसला न लेने की सलाह है। जीवन साथी के साथ आपकी जो अनबन चल रही है उसमें कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उपाय के रूप में रोजाना सूर्य को जल अर्पित करें। नंबर 4, तुला राशि। तुला राशि वालों की बात करें तो ये जो सूर्य ग्रहण है यह आपके छठे घर में लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की राशि तुला है उनके लिए भी साल का पहला सूर्य ग्रहण अशुभ होने वाला है। इस दौरान आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किसी चीज का तनाव बना रहेगा। नौकरी से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव बना रहेगा। आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस सूर्य ग्रहण की वजह से आपको आपके कंपटीटर बिना बात के परेशान करेंगे, वह आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। इस सूर्य ग्रहण में आपको ये भी लगेगा कि काम की कोई टेंशन बहुत बढ़ रही है या आपके जो भी आइडियाज हैं लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं और इस वजह से भी आप काफी ज्यादा उदास फील कर सकते होते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? आप सूर्य ग्रहण के अगले दिन मंदिर में जाकर गुलाब के लाल फूलों की एक माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। आपके कष्ट आपको धीरे धीरे दूर नजर आने लगेंगे। नंबर 5, वृश्चिक राशि। जिन जातकों की राशि वृश्चिक है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके लिए सूर्य ग्रहण नकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान संतान पक्ष से भी आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ता नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में सूर्य ग्रहण आपकी लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। आपका पार्टनर या फिर परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं और इस वजह से आपके घर में तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस में भी बॉस के साथ आपके संबंधों में तकरार बढ़ सकती है। आपसी सामंजस्य की वजह से आपका काम प्रभावित हो सकता है। इस वक्त नई नौकरी से जुड़ा कोई भी फैसला बहुत ही सोच विचार कर करें। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को नौकरी में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में हानि के योग बन रहे हैं। पार्टनर से लेन देन में सावधानी बरतें। आपके साथ ठगी होने के योग बन रहे हैं। दिवत ना आए उसके लिए आपको एक विशेष उपाय करना है और वो है कि आपको मिश्री और चावल कच्चे दूध में डाल के इस सूर्य ग्रहण के बाद लगातार 11 सोमवार शिवलिंग पे चढ़ाने हैं ताकि जो बुरी चीजें हैं वो आपके जीवन पर ज्यादा हावी ना हो सके और जो अच्छी चीजें हैं पूरी तरह से फ्लोरिश होके आप तक पहुंच सके। नंबर 6, धनु राशि। धनु राशि वालों के जीवन में सूर्य ग्रहण भारी उथल पुथल मचाने वाला हो सकता है। कहीं निवेश किया हुआ पैसा डूबने की बुरी खबर आपको मिल सकती है या फिर उधार दिया पैसा डूब सकता है। कारोबार में इस वक्त और पैसों का निवेश करने से बचें। नुकसान होने की पूरी आशंका है। आपके घर या फिर रिश्तेदारी में आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। किसी के भी साथ में पैसों का लेन देन करने से बचें। कोई भी फैसला इस वक्त बिना सोचे न करें। इस समय आपकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव होता हुआ नजर आ रहा है। नाभि या नाभि के नीचे के अंगों में कोई परेशानी यूरिन इन्फेक्शन वगैरह आपको हो सकता है। क्या उपाय कर सकते हैं? आप अपने वजन के बराबर कोई भी अनाज लें जैसे दाल चावल आटा और उसको गरीबों में दान करें। इससे आपकी परेशानियां कम होती हुई नजर आएंगी। नंबर 7, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव की वजह से करियर में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का काफी दबाव रहेगा और आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। ऑफिस में सहयोगियों के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके विचार न मिलने की वजह से मतभेद पैदा हो सकते हैं। दोस्तों से आपको धोखा मिल सकता है। सावधान रहें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। धन का कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। कुछ अनचाहे ऐसे खर्चे आन पड़ सकते हैं जिनकी आपने प्लानिंग नहीं की हुई थी। आपका कहीं ना कहीं पैसा फंस भी सकता है। इस समय आप जो भी बोले सोच समझ कर बोले क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव आप पे आएगा वो ये कि मुंह से वाणी ही ऐसी निकलेगी जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है।
इसलिए शब्दों का चयन बहुत केयरफुली करें। थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखिए और वाणी बोलने में संयम रखिए। क्या उपाय कर सकते हैं आप? आपको क्या करना है कि कच्चे दूध में शहद और चावल डाल के हर सोमवार शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। यह आपको कम से कम 11 सोमवार तक करना है। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव आप तक कम पहुंचेंगे। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।